फूडीज में आपका स्वागत है। मैं ऋतिका और ये है और आज के एपिसोड में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं मजेदार स्नैक्स की रेसिपी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है और बच्चे रहेंगे घर पे और इन्हें चाहिए छोटी छोटी भूख के लिए छोटे छोटे स्नैक्स। और सार्थक का फेवरेट स्नैक है नूडल्स। अब ये नूडल्स भी क्या हेल्दी हो सकते हैं? रिसेंटली हमने एक्सप्लोर किया और हमने ऑर्डर किया स्लर्प फार्म का नूडल कॉम्बो एंड दिस वाज अमेजिंग। इसमें हमें तीन तरह के नूडल्स मिले। एक था यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट नूडल्स जो कि रिच थे विटामिन ए एंड मैग्नीशियम में। दूसरे में मिला हमें लिटिल मिलेट नूडल्स जो कि रिच होता है फॉस्फोरस एंड सिलेनियम में। नेक्स्ट था हमारा करी मसाला। ये देखने में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है और ये बना हुआ है होल व्हीट एंड बाजरा से। कैन यू इमेजिन ये नूडल्स कितने ज्यादा हेल्दी हैं? इन नूडल्स के पीछे विजन है दो मदर्स का, इसीलिए प्रिजर्वेटिव फ्री है ये। इसमें कोई मैदा नहीं यानी रिफाइंड फ्लावर बिल्कुल भी नहीं है और साथ में ये डीप फ्राइड भी नहीं है। दे आर सन ड्राइड और बेक्ड। तो आइए अब इनकी रेसिपी झटपट शुरू करते हैं। अगर आप इन नूडल्स को स्लर्प फार्म की वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो ऋतिका 20 कोड यूज कीजिएगा, आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। वेल, ये सारे नूडल्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट एंड फर्स्ट क्राई पे भी अवेलेबल है। बट सार्थक, हमारे पास में इतने सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा वाला बनाएं? फॉक्सटेल मिलेट बनाते हैं। फॉक्सटेल मिलेट बनाते हैं। इनकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और जितनी देर में मैंने नूडल्स कुक करे ना, सार्थक मेरे साथ ही था, मतलब पूरा सब कुछ टेस्ट किया है। और जो इनका टेस्ट मेकर है, एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, साथ ही इतना टेस्टी था, हमने उसे अलग से भी टेस्ट किया। तो आइए अब कुछ देरी नहीं करते हैं और जल्दी से बनाते हैं अपने मिलेट नूडल्स। आइए बनाते हैं फॉक्सटेल मिलेट नूडल्स। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमें नूडल्स को उबालना है। तो मैंने एक बड़ा सा पॉट लिया है और उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है। पानी को हम बॉयल होने के लिए रख देंगे, ढक देते हैं। मैं आज यूज कर रही हूँ स्लर्प फार्म के मिलेट नूडल्स। ये है फॉक्सटेल मिलेट नूडल्स एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही बढ़िया बने थे। फॉक्सटेल मिलेट रिच होता है विटामिन ए एंड मैग्नीशियम में। तो यहाँ पे टेस्ट मेकर भी आता है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। जब भी हम बच्चों को नूडल्स खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट होता है कि उनके पेट में जो मैदा जा रहा है वो आगे तक के लिए बड़ा हार्मफुल है। गट हेल्थ के लिए मैदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खास करके छोटे बच्चों में। बट मिलेट नूडल्स इस एक्सपीरियंस को बनाते हैं गिल्ट फ्री, एक्चुअली इंजॉयबल। एज पर पैकेट इंस्ट्रक्शन इन नूडल्स को उबलने में 4 मिनट लगते हैं। हाई फ्लेम पे ही हमने इन्हें उबालना है। तो यहाँ पे नूडल्स जो थे मैंने थोड़ा अलग अलग कर दिया फोक से ताकि अच्छे से उबल जाए। एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रहे थे। उबलते समय मैंने यहाँ पे नमक और तेल कुछ भी ऐड नहीं किया है। 4 मिनट बाद हमने नूडल्स को चेक किया तो नूडल्स अच्छे से उबल गए थे। ये नूडल्स डीप फ्राइड नहीं है, तब भी ये स्टिकी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि आपस में चिपक रहे हों। तो अब हम इन्हें छान लेते हैं। छानने के बाद में हमें इन्हें थोड़ा सा ठंडे पानी से रिंस करना है। ये स्टेप इसलिए होता है ताकि हम नूडल्स की कुकिंग को रोक सकें। एंड देखिए, सारे नूडल्स बिल्कुल अलग अलग हैं, नॉन स्टिकी हैं। अब हम इन्हें रख देते हैं साइड में और बहुत सारी वेजीज के साथ में इसका तड़का रेडी करते हैं। मैंने आज जो वेजीज यूज़ करी हैं उनको मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था, इससे ये जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच डाला है ऑलिव ऑयल। सार्थक को टेस्ट मेकर टेस्ट करना था। और यहाँ सब्जियों में मैंने डाला है गाजर, कॉर्न, मटर और बीन्स। आप अपने पसंद की और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सब्जियां इतनी सारी ऐड करी हैं इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, साथ ही मैं टेस्ट मेकर भी ऐड कर दे रही हूँ। अब हम इन सब्जियों को टेस्ट मेकर के साथ अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे, क्योंकि ये सब्जियाँ ऑलरेडी बॉयल्ड हैं। और ये रहे हमारे नूडल्स, ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं और बिल्कुल नॉन स्टिकी हैं। लुक, स्लर्प फार्म के मिलेट नूडल्स में टेस्ट को कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के निकलते हैं। बस अब हम मसाले और वेजीज के साथ में नूडल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इन्हें पैन फ्राई करेंगे चलाते हुए। ये देखिए, नूडल्स ने अच्छे से कलर ले लिया है और अब हम फटाफट इसे सर्व करते हैं। एंड टेस्ट मेकर की जो खुशबू थी वो पूरे किचन में इस समय फैली हुई थी। इट्स वेरी एपेटाइजिंग एंड यू नो बोल, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। तो आइए अब फटाफट हम इसे टेस्ट करते हैं, रुका ही नहीं जा रहा है। और सार्थक तो फोक लेके पहले से तैयार बैठा था और ये गर्मा गर्म नूडल्स इतने टेम्पटिंग थे कि फोटोज खींचना भी मुश्किल था। सार्थक इज रियली एक्साइटेड टू टेस्ट। हाउ इज इट? नो वर्ड्स। नो वर्ड्स, कैसी लगे तुम्हें वैसे? मतलब बड़ी जरा बढ़िया।
Amazing. I think you're enjoying. सार्थक का तो मस्त फूक रुकी नहीं रहा है. और इसमें ना बच्चों के हिसाब से बिल्कुल ठीक स्पाइस ब्लेंड है जो मुझे लगा पर्सनली. और बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है बट हाँ अच्छा लग रहा है. मतलब जो मसालों वाला स्पाइस मतलब वो होता है ना सार्थक इज कंटिन्यूअसली हैविंग. इट्स रियली गुड और बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी शायद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज क्वांटिटी इज क्वाइट गुड. मतलब एक पैकेट में आराम से 3 लोग खा सकते हैं. सो तुम्हारी तरफ से इसे क्या दिया जाए? थम्स अप. 1 करोड़ स्टार. सो गाइस ये भी हमारी बहुत ही टेस्टी मिलेट नूडल्स की रेसिपी. और इन्हें खा के लगा ही नहीं कि हम लोग मिलेट से बने हुए नूडल्स खा रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं. एंड मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये डीप फ्राइड भी नहीं है. मतलब हम भी इंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा. एक्चुअली जो स्पाइस मिक्स है दैट इज़ वेरी टेस्टी. एंड वन मोर थिंग क्वांटिटी मैं मेंशन करना चाहूंगी काफी बड़ी काफी ज्यादा थी. और मतलब आराम से 2 से 3 लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं. 2 से 3 4 लोग इसे आई मीन 2 to 3 तो आराम से एंजॉय कर सकते हैं. इट्स क्वाइट गुड और हमें तो बहुत मजा आया. तुम्हें कैसा लगा सार्थक? 1 करोड़ स्टार. और सीरियसली नूडल्स इतने हेल्दी हो सकते हैं कभी सोचा भी. तो आप इन्हें जरूर से ट्राई कीजिएगा और हमारा कूपन कोड RITIKA20 यूज कीजिएगा. आप स्लर्प फार्म की वेबसाइट पे जो मैं नीचे लिंक दे दूंगी वहाँ पे आपको मिलेगा इन पे 20% डिस्काउंट. तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. हमारा इंस्टाग्राम आईडी 446 को भी फॉलो करना मत भूलिएगा. और बस मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय.